बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तमाम दोस्तों को अपने ऑनलाइन बाइक स्पेशलिस्ट यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद करता हूं। दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक है क्वेश्चन आंसर की आज मैं पोस्ट करने लगा हूं और आप सब दोस्तों से मैं मुखातिब हूं कि क्वेश्चन आंसर सीरीज का मतलब क्या है। जो ये मैं वीडियो आप देख रहे हैं इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन आंसर का आप अपने मोटर बाइक का सवाल, जो भी आप मोटर बाइक है उसको सवाल लिखना चाहते हैं तो कमेंट में आप सवाल लिखेंगे, वो कमेंट मैं दोबारा उसको पिक करूँगा और मैं अपने पास लिखूँगा, लिख के उसके हिसाब से मैं आप सब दोस्तों को हर सवाल का हर जवाब दूंगा। तो ये जो पोस्ट है ये फेसबुक एंड यूट्यूब ये दोनों दोस्तों के लिए है, जो उधर भी हमारे फॉलोअर दोस्त हैं देखने वाले चाहने वाले हैं जो यूट्यूब पे हैं उनके लिए भी हैं कि आप मोटर बाइक कौन सी है, मॉडल कौन सा है और फॉल्ट क्या है। बस ये तीन चीज़ें आपने मेंशन करनी है कमेंट के अंदर और इंशाल्लाह मैं वो कमेंट कोशिश करूंगा जितने से ज़्यादा कमेंट मैं पिक कर सकूं, पिक करके वो मैं आप सब दोस्तों को अच्छे से अच्छा करके उसका रिप्लाई और जवाब दे सकूं। तो दोस्तों क्वेश्चन आंसर की पोस्ट का यही मतलब है, आप नीचे कमेंट लिखेंगे, कमेंट लिखने के बाद आपने मोटर बाइक का मॉडल लाजमी लिखना है, क्योंकि मैं हर वीडियो के अंदर कहता रहता हूँ जो क्वेश्चन आंसर की पोस्ट करता हूँ कि आप मॉडल नहीं लिखते और मोटर बाइक एवं लिख देते हैं कि मोटर बाइक 70 है, उसके फ्रंट व्हील किसी अंदर से आवाज़ आ रही है। अब मुझे नहीं पता कि हुंडा सिटी 70 है, चाइना 70 है, कौन सी मोटर बाइक है। जब आप मोटर बाइक मेंशन करते हैं तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाती है जवाब देने में, अगर आप मोटर बाइक नहीं लिखेंगे कि मैं ये सवाल पिक ना करूं। इसीलिए फिर वो काफ़ी दोस्तों के शिकवे भी होते हैं, काफ़ी दोस्तों के ये नाराज़गियाँ भी होती हैं कि अरशद भाई आपने हमारा सवाल जो है वो सामने नहीं रखा। तो प्यारे भाई इसीलिए नहीं रख पाता होता क्योंकि ना मॉडल होता है और ना ही उसका मोटर बाइक कौन सी है, वो CG125 है, CD70 है, ड्रीम है, प्राइडर है, कौन सी मोटर बाइक है, उसी हिसाब से मैं आप सब दोस्तों को फिर रिप्लाई भी कर सकूँ जी। तो दोस्तों अच्छा ये सब प्रोसेस करके एक दो सब दोस्तों से ये भी गुजारिश है कि आप सब दोस्तों का ये भी शिकवा होता है कि अभी हमारा सवाल सामने क्यों नहीं, हमारा नाम क्यों नहीं लिया गया। वो इस वजह से कि अगर कोई मीन्स के 10 या 20 या 50 एक तरह के सवाल होते हैं, मोटर बाइक एक ही होती है, सवाल एक ही होता है, फॉल्ट एक ही होता है, तो फिर उसमें से मैं एक या दो सवाल पिक कर लेता हूँ क्योंकि कॉमन होते हैं, हर एक जगह एक जैसे सवाल होते हैं तो हर दोस्तों का मैं नाम नहीं ले सकता होता क्योंकि 12 से या 15 या 10 से 12 सवाल होते हैं और कमेंट आए होते हैं 250 से 300 से 500 के करीब और हज़ार कमेंट भी हमने देखे हैं क्वेश्चन आंसर की पोस्ट के नीचे कि इतनी फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा नाम नहीं ले सकता। यहाँ पे मैं माजरा चाहूँगा और नाराज़ भी आप दोस्तों ने नहीं होना कि क्योंकि 50 अगर एक सवाल एक जैसे सवाल हैं तो उसमें से दो या एक मैं पिक करता हूँ, फिर हर का एक ही का सब जवाब दे देता हूँ कि यह कॉमन है और इसी तरह कहीं आपने रिप्लाई जवाब जो सुनना होता है उसका फॉल्ट हल करना होता है वो फॉल्ट हल कर लेते होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सब दोस्तों से ये गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और फेसबुक पे ऑनलाइन बाइक स्पेशलिस्ट के नाम का पेज है उसको भी फॉलो करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।